हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर विद यू हाउ आई डू माय पील। सो उसके लिए सबसे पहले हम पहले अपने फेस को क्लेंस करेंगे विद द सेम क्लेंजर व्हाट आई एम यूजिंग, जो मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ जेल क्लेंजर। इससे मैंने अपने फेस को धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। देन वी हैव टू यूज़ दिस पील। जो केमिकल पील हम बाहर जाके यूज़ करते हैं, बाहर हम सिटिंग्स लेते हैं काफ़ी सारे, उसके जगह वी विल यूज़ दिस पील। इट इज़ Artistry Intensive Skin Care Renewing Peel. Okay, so I will put it in my face and after using the peel, उसका क्या effect होता है वो मैं आपके साथ share करूँगी। So in this peel, आपको 8 pumps लेने हैं and 8 minutes तक apply करके रखना है। So I will take the 8 pumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस, आप जब अप्लाई करते हैं इसको, आप ये ध्यान रखिए कि आपका फेस क्लेंज होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इट शुड बी क्लीन एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस। एंड ये आपको आफ्टर सनसेट मींस इवनिंग टाइम और इन नाइट टाइम यू हैव टू अप्लाई दिस। ओके, सो आप इसको जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको सिर्फ 8 मिनट इसको रखना है। और अगर घड़ी का काटा अगर आगे निकल जाता है, 8 से 9 मिनट हो जाते हैं, सो डरिए मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 8 मिनट्स बाद अपना काम अपने आप बंद कर देती है। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। और ये आप 8 मिनट्स तक अप्लाई कीजिए। पीलिंग क्यों ज़रूरत होती है? इफ़ वी हैव अनइवन स्किन और हमारी ग्लो चली गई है तो हम पीलिंग करवाने जाते हैं। ऊपर का जो एक ड्राई डेड स्किन जो हमारी परत बैठ जाती है, आप कोशिश कीजिए जब आप पील कर रहे हैं, योर नेक शुड बी कवर्ड, योर ईयर्स शुड बी कवर्ड, पूरी जगह कवर्ड होनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से पीलिंग का इफ़ेक्ट एक जैसा सब जगह पता चले। अब मैंने अप्लाई कर लिया है तो इसको मैं 8 मिनट्स अभी अपने फेस पे रखूंगी, फिर वॉश करने के बाद हम रिजल्ट देखते हैं। सो 8 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम इसको अच्छे से वाइप आउट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। जस्ट 8 मिनट्स आपको रखने हैं। ये आपको स्क्रीन पे जितना पता ना चल रहा होगा, आप सामने आपके खुद के स्किन पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। यू कैन सी, जस्ट इसके बाद आपको एक अच्छा सा लोशन क्रीम कुछ लगाना है। आई प्रेफर टू यूज अ क्रीमी मसाज। मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद जो अपने ओपन पोर्स हो जाते हैं आफ्टर पीलिंग, सो उसको ओपन पोर्स को क्लोज करना चाहिए हमेशा। सो आफ्टर पीलिंग यू हैव टू यूज सम लोशन क्रीम और मसाज क्रीम और लाइट लोशन, एनीथिंग यू कैन डू। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पीलिंग जो आपका एक्स्ट्रा केयर करेगा फॉर 6 वीक्स फॉर अ रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन। सो फॉर दैट वीडियो